बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेरो किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तारी। तारी के लिए हमने लिए हैं 500 ग्राम चिकन, 500 ग्राम आलू, 250 ग्राम मटर, 10 से 12 हरी मिर्ची है। ये आलू को छील के दो पीस में हमने कट कर लिए हैं। ये हमने लिए 5 से 7 टमाटर और 1-2 प्याज छोटे, और ये 50 ग्राम अखा मसूर जिसको धो के हमने भिगो दिए थे 15-20 मिनट तक। चलिए बनाते हैं तारी। ये हमने 2 प्याली तेल ली थी, वो अच्छे से गर्म हो गया। अब इसी में खड़े मसाले जाएंगे। खड़े मसाले में 2 तेज पत्ते हैं, थोड़ा सफ़ेद जीरा, सा जीरा थोड़ा सा है, तेज लकड़ी है, बादिये का फूल है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और कुछ अदरक काली मिर्च है। डालेंगे तेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे मसाले हल्के से लाल हो गया होगा। अब इसी में हम प्याज डाल देंगे। तो भी हल्की ब्राउन करनी है हमें। ये देखिए हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो गई है। अब इसी में हम ये जो पुदीना मैंने एक गड्डी एक मुट्ठी धो के साफ करके इसको कटिंग करके रखी थी, एक मुट्ठी वो लेंगे पुदीना। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है तारी में, पुदीना पहले डालने से तेल में। अब इसी में हम 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के डाल देंगे। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भूनेंगे ताकि खुशबू आ जाए मसाले के अंदर। डालेंगे ताकि हम दूसरे मसाले डालें। जब तक ये देखिए हमारा अदरक लहसुन अच्छे से भुना गया। अब इसी में हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच पीसी हुई मिर्ची लाल। इसे भी हम भून लेंगे। मसाला तैयार हो गया। इसी में हम टमाटर कट करके हमें डाल देंगे। ये देखा हमारे टमाटर हल्के से गल गए हैं। इसी में हम चिकन डाल के भूनेंगे। चिकन डाल के इसे अच्छे से भूनना है। फीकी वाली हरी मिर्ची बहुत तेज नहीं है। इसी में हम टमाटर या बटा आलू और मटर ये भी डाल देंगे। अच्छा मसूर भी हम इसी में ही डाल देंगे साथ में। इसे सबको अच्छे से हमें भूनना है 5 मिनट। ये हमारी अच्छे से सब भुनाई हो गई मसालों की सबकी। अगर आप चिकन नहीं भी डालना चाहते हो तो मटर आलू टमाटर इससे भी बहुत अच्छा बनता है। ये तारी
बहुत अच्छी बनती है। इसी में हम डालेंगे दो छोटी तपेली पानी, इसी पे हम डाल देंगे कोथमीर कटा हुआ, अब नमक की बारी, क्योंकि हमने नमक नहीं डाले थे। नमक स्वाद अनुसार ले लेना ना आपके। अब इसमें उबाल आने तक हमें पानी को पकाना है अच्छे से, इसको अच्छे से चला के चावल धो के अब इसी में हमें डालना है, जब तक उबाल नहीं है। ये हमने छोटे वाले चावल धो के अच्छे से ले ली हूँ, आप चाहे तो लंबे वाले भी चावल में भी बन सकते हैं ये तारी। ये देखिए हमारे ये सब चीज अच्छे से पक गया है, पानी भी अच्छे से उबलने लगा है, खटखटाने लगा है। अब इसी में हम ये चावल डाल देंगे, ये देखिए अच्छे से चला लेना है। और इसी में हम थोड़ा सा नमक अपने को चेक कर लेना है, इसे अच्छे से हमें चला लेना है। अभी हमारा पानी जब तक नहीं, तारी का पानी जब तक नहीं सिकता वहां तक पकाना है हमें। ये चांच पे पक रहा है, ये अभी इसे हम ढक देंगे। ये देखिए बीच बीच में हमने चलाते हुए अभी इसे हम दम पे रखेंगे, पूरा पानी चावल का सूख गया। इसे हम 10 से 15 मिनट तक दम पे रखेंगे तारी को, इसे ढक के हम धीमी आंच पे रखेंगे 15 मिनट तक। ये देखिए हमारी तारी बनके तैयार रेडी है। अब चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए हमारी चिकन की तारी बनके तैयार है, आप गोश्त में भी इसे बना सकते हैं। ऐसे मजेदार रेसिपी के लिए सेरे किचन को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।